तो माय फ्रेंड्स, होपफुली आप सब लोगों को इनइक्वालिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई थिंक अब आप इनइक्वालिटीज, हर तरीके की इनइक्वालिटी को हैंडल करने के लिए सक्षम हैं। हमने हर तरीके की इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, एक्सेप्ट क्यूबिक। क्यूबिक इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट। क्यूबिक भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक पता है तो क्यूबिक भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक कर दीजिए। चल यार, तू बोलता है तो कर देता हूं, तेरी मर्जी। ठीक है, एक क्यूबिक इनइक्वालिटी का एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट चीजें ट्राई करेंगे। क्योंकि बढ़ने के लिए तो आप यू कैन इंक्रीज, कीप इंक्रीजिंग डिग्रीज, बट आफ्टर ऑल यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फैक्टराइज इट। फाइनली यू हैव टू फैक्टराइज इट। फैक्टराइजेशन तुम्हें आना चाहिए। फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो माई फ्रेंड्स कांट डू एनीथिंग। तो फैक्टराइजेशन आना चाहिए ना। ओके, सो नाउ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। दिस इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x² प्लस 2x, ये दिया आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो वही RHS को LHS में ले आओ। तो याद आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स, ओके, प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी फ्रेम किया है ना, तो थोड़ा इधर उधर कर दिया। अब आपको देखना है भाई, क्या आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज हो सकती है। क्योंकि आपको फाइनली क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। वॉट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स जहां पर आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, जीरो। तो देखो भाई, एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, किस पे एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। आप देखोगे, वन के आप फैक्टर्स लो, वन के फैक्टर्स क्या आएंगे, प्लस माइनस वन, दोनों तरह डालो इक्वेशन में। तो वन डालोगे तो क्या आएगा, वन माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1। बहुत बढ़िया, वन आ गया आपका। वन एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू वन डालने पे जीरो हो रहा है। ठीक है भाई, तो हम वही कर देते हैं। सिंथेटिक डिवीजन, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -3, 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 1 1 -3 प्लस 1 -2 -1,
सिंथेटिक डिवीजन तो होपफुली सबको आता है, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन आई होप सब लोगों को आता है। तो ये चीज क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है, ऑल राइट। सो इसको कर दो फैक्टराइज। सो यार फैक्टराइज कैसे होगा, मैं लिख सकता हूँ इसको x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, इतना लिख दिया। अब देखो क्या ये और फैक्टराइज हो सकता है, क्या ये और फैक्टराइज हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका लेस देन जीरो आता है या नहीं। तो इफ यू सी डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कितना आया, एट आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है। तो यार फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिट से तो हो नहीं रहा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो रहा तो भाई नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वी हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अभी निकाला कितना आता है, एट। बाय टू ए आया टू प्लस माइनस टू रूट टू बाय टू, ओ ज्यादा टू घूम गया, तो ये आ गया तुम्हारा भाई वन प्लस माइनस रूट टू, दो वैल्यूज आती हैं वन प्लस माइनस रूट एंड टू, ओके। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक तो वन प्लस रूट टू, एक वन माइनस रूट टू, और एक आया वन, वन प्लस रूट टू, वन माइनस रूट टू और वन, तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए। चलो नंबर लाइन पे ले आते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है भाई कौन सा पॉइंट आप कहां पे प्लॉट करोगे, वन आएगा इधर, वन प्लस रूट टू आएगा इधर, वन माइनस रूट टू आएगा इधर, ठीक है। अब वही बेबी कर्व पैटर्न, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ आपसे पूछा है भाई क्या था, इनइक्वालिटी क्या बन गई थी, ग्रेटर देन जीरो, ये जो एक्सप्रेशन आपका है इसमें ग्रेटर देन जीरो पूछा था, तो ग्रेटर देन जीरो पूछा है इसका मतलब क्या हुआ, आपको कौन से की बात करनी है, ये वाला ना, दिस रीजन एंड दिस रीजन। सो ये रीजन आएगा और ये रीजन आएगा, लिख देता हूं आंसर फाइनल कितना आएगा, वन माइनस रूट टू से वन यूनियन वन प्लस रूट टू से इंफिनिटी, आ गया आंसर। ठीक है, इज दिस क्लियर, अच्छा टेस्ट कैसा गया, हाँ जी How did you do the test? कितने लोग टेस्ट दिए, भावेश बस एक टेस्ट दिया है,
पुष्कर ने दिया। अभी दूंगा ये क्या मतलब हुआ? कल क्या कर रहा था तू? ओ ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो मैं कल डिस्कस करता हूँ टेस्ट के डाउट्स, बाकी लोग भी टेस्ट दे दो, डिस्कस मत कर लेना एक दूसरे से। ठीक है। अच्छा आज शाम को डाउट सेशन है, ठीक है ना? आज शाम को डाउट सेशन है, तो जिसको भी डाउट्स वाउट्स हैं ले आना। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज अब होपफुल सब लोगों को समझ में आ चुका है, सो हम आगे बढ़े हैं इस चैप्टर को लेके। हाँ वो डिपेंड कर, मुझे मैथ्स का पता है, मैथ्स का होगा। कितने बजे मैथ्स का देखना पड़ेगा मुझे भी, तो मैथ्स का होगा, उसके बाद बाकी आप लोगों के देखेंगे। एंड में इवेंट्स होगा ना, आप लोगों को 3 से ज्यादा क्या मैथ्स? आप तो 3 से ज्यादा है। चलो अब हम सेट्स की थोड़ी करेंगे प्रैक्टिस, पे स्केड्यूल है ना बस, ठीक है ना? तो चिल, किस बात का है डर जब ऐप पे है रिजल्ट? ठीक क्या बोल रहे हो? कल, कल के बाद तो फिर संडे ही आएगा। ठीक है, अब थोड़ी और बातें करते हैं हम सेट्स के बारे में। डिसजॉइंट सेटस,
disjoint sets. So what are disjoint sets? My friends, disjoint sets are those sets hote hain jinmein koi bhi element common nahi hota. Jaise ki ये और ये, ठीक है, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं. कैसा? ऐसा कि इनमें क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है एलिमेंट ना. सो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं, दो सेट्स हु हैव नथिंग इन कॉमन. ठीक है, ऐसे सेट जिनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं डिसजॉइंट सेट्स. समझो ये है ए, ये है बी. अभी मैं लिखूं एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आएगा? एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आएगा? या इट्स विल बी जीरो. दैट विल बी जीरो बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट. ठीक है, अच्छा अभी मैं बोलूं ए यूनियन बी, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कैसे लिख सकते हैं अपन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऐसे लिख सकते हैं. क्योंकि ए यूनियन बी अगर आप देखो तो क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट्स से लो, बी के सारे एलिमेंट्स से लो और दोनों को ऐड कर दो. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. पावर सेट तो मैंने आप लोगों को सिखाया ही था, पावर सेट पता है ना सबको. और प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट ये भी पता है आप लोगों को. याद आ रही है चीजें, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ये भी पढ़ाया था मैंने, ये याद है. ए डेल्टा बी विच इज नथिंग बट ए माइनस बी Union B minus A. This is called symmetric difference of sets. Yaad aayo? Okay, very nice. सेट्स के हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस भी किए थे, होपफुली आप सब लोगों को याद हो. अच्छा अब एक चीज और डिस्कस करते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. Of two sets. Previous slide. कार्टेशियन प्रोडक्ट हम थोड़ा लेटर पढ़ेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे सेट्स पे. वी लुक एट सम क्वेश्चंस इन सेट्स, क्योंकि हम लोग का कभी
एक तरीके से हमने की थी प्रैक्टिस सेट्स में, बट बढ़िया से नहीं की अभी तक ना, बढ़िया वाली प्रैक्टिस नहीं हुई है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन की ना, एडवांस क्वेश्चंस। ओके क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ 1 2 3, अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया भैया ने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ नल सेट, बोलो कितना आएगा? 0 1 2 3 4 7 9 20, 1 आएगा। तो अभी थोड़ा ना पावर सेट को स्टडी करते हैं। अच्छा, पावर सेट ऑफ नल सेट क्या आएगा? वही तो बिल्कुल नहीं समझेगा, अभी मैं समझाऊंगा। पावर सेट ऑफ नल सेट मतलब क्या? एक ही एलिमेंट आने वाला है, राइट? एक ही एलिमेंट आएगा। अच्छा, अब क्या हो गया? आप ये भी एक सेट है, राइट? ये भी एक सेट है। चलो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं अभी जेड से। नाउ पावर सेट ऑफ जेड क्या होगा? पावर सेट ऑफ जेड क्या होगा? पावर सेट ऑफ जेड होगा, एक तो ये एलिमेंट होगा। ये एक एलिमेंट है ना इसका, और कौन सा? एक ये एलिमेंट होगा नल सेट, क्योंकि नल सेट तो भैया हर एक पावर सेट का, हर एक सेट का वो होता है सबसेट। तो दो एलिमेंट आएंगे, और आपको पता है ना 2 टू द पावर 0 1, तो अगर 0 एलिमेंट है तो 1 आएगा पावर सेट का, नंबर ऑफ सेट्स। 2 आएंगे, एक एलिमेंट आ गया तो 2 टू द पावर 1 2। अच्छा, अब इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। अब मैं बोलूँ पावर सेट ऑफ एक्स क्या आएगा, तो वही कितने एलिमेंट है इसमें? एक और दो। दो एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या आएंगे पावर सेट में भाई? एक तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या आएगा? सोचो, बना के देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक तो आएगा आपका ये एलिमेंट, एक क्या आएगा ये एलिमेंट, समझ रहे हो ना? एक तो ये एलिमेंट होगा, एक ये एलिमेंट आएगा, एक इन दोनों का पावर सेट आएगा, सॉरी इन दोनों का सेट। और एक क्या आएगा? नल सेट, जो कि हर सेट में आता है। तो कितने एलिमेंट आ गए? 4 आ गए। इसमें 2 एलिमेंट थे, तो डेफिनेटली जो पावर सेट होगा इसका, इसमें कितने आएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 2 4, तो 1 2 3 4, 4 आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए इसमें? ये हो गया ना पूरा फिक्स हो गया, 4। ओ वेलकम सुश्री, कहाँ थी? गायब हो गई थी। थी क्या? देखा नहीं। गुड, समझ आया सबको?
एनी फॉर्मूला? फॉर्मूला तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये बहुत वो ऐसा है ना कि एक होल्ड ऑन, एक फॉर्मूला है देखो एक फॉर्मूला कैसे बनाओगे भाई, आपको इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो बताने थे। दो मिनट हो, वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। नो स्पेसिफिक फॉर्मूला डिराइव नहीं हो सकता, सॉरी देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट ना, एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। सेट ए दिया है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सेट बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। फाइंड ए यूनियन बी। क्या हो गया? या सो इसको लास्ट स्लाइड समझ नहीं आई। देख कुछ नहीं था, पावर सेट ऑफ पाई क्या होगा? नल सेट, अगर एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट क्या होता है? कुछ एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ नल सेट क्या आएगा? बस एक एलिमेंट। ठीक है, फिर अब एक एलिमेंट आ गया। पहले जीरो एलिमेंट थे,
तो पावर सेट का क्या फॉर्मूला होता है, टू टू दी पावर एन होता है ना, एन जीरो है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, टू टू दी पावर जीरो वन, ठीक है। अब यहाँ पे वन एलिमेंट आ गया, अब इसका तो पावर सेट, इसको जेड माना तो पावर सेट ऑफ जेड बोला क्या आएगा, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, टू टू दी पावर वन विच इज टू, तो क्या क्या है, एक तो ये और एक नल सेट हमेशा फ्री मिलता है। फिर इसको मान लिया एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स माना, पूछा आपसे, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है तो इसमें कितने आएंगे, टू टू द पावर टू, चार एलिमेंट्स, एक तो ये एलिमेंट का सेट आएगा, एक ये एलिमेंट का सेट आएगा, एक ये पूरा आएगा और एक नल सेट हमेशा फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, समझ गया पीपी। समझा या नहीं, ओके। अब आपसे पूछा फाइंड ए यूनियन बी, अब अगर तुम ध्यान से देखो यार लिखा गया है, एक सेट ए है जिसमें क्या है एक्स, एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके सारे ऑड इंटीजर्स हैं, वैल्यू डाल के देख लो, n को 1 डालोगे तो क्या आएगा 3, n को -1 डालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, वन आएगा, राइट, ऐसी चीज आएंगी। सिमिलरली इसको देखो, इसमें क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2n, यहाँ पे सारे क्या आएंगे, इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। सो ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, ऑल इंटीजर्स प्लस इवन इंटीजर्स प्लस जीरो, तो दिस इज व्हाट, अगर मैं लिखना चाहूँ, इट इज एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, या फिर ओनली सीधे लिख दो जेड, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। चलो एक और देखो, बताओ भाई, सेट ए में ये दिया है एक्स इज इक्वल टू 3n और सेट बी में क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 4n। सो आपसे पूछा है बॉस कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, निकालो। एंड में, लास्ट स्लाइड एंड में ना, अभी ये चल रहा है। वेरी गुड, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3n दिया है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इसमें सारे वो नंबर्स आएंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स होंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4n, इसमें वो सारे लोग आएंगे जो 4n के मल्टीपल हैं या 4 के मल्टीपल हैं, तो आपको इंटरसेक्शन पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ यार, इंटरसेक्शन में तो वही नंबर्स आएंगे ना जो 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 4 के भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स, अबे 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे क्या, या उसके लिए कुछ नाम होगा ना, कोई नंबर होगा ना वो, जो एक नंबर जो 3 से भी मल्टीप्लाई होता है 4 से भी, 12, यस। तो ए इंटरसेक्शन दी गया है वो नंबर्स जो कि 12 से मल्टीप्लाइड है, 12 के मल्टीपल है, ओके।
ट्रू। अच्छा लास्ट में क्या हुआ है, ए इंटरसेक्शन भी पूछा था, तो ए इंटरसेक्शन भी मतलब क्या हुआ, ए और बी का कॉमन पोर्शन। तो ए में आते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, बी में आते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमें देखना है कि ऐसा सोच सकती हो ना, क्या आएगा ये। -3 -6 3 6 12, 18, और क्या आएगा, 48, और 4 में क्या आएंगे, -4, 0, 12, 8, 24, 48, और भी बहुत सारे आएंगे ना, अभी मैंने बस थोड़े से बनाए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों सेट में जो कॉमन पोर्शन, तो अगर कॉमन पोर्शन में हाईलाइट करूं तो क्या क्या आता है, एक तो आता है तुम्हारा 12 12, 48 48, इवन 24 और 24 भी आएगा, क्योंकि 24 सी से डिवाइड डिविजिबल है। सो आप एक्चुअली क्या देख रहे हो, आप वो नंबर्स देख रहे हो जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, वो एक्चुअली 12 से भी डिविजिबल होंगे। इसलिए हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, एक्स, एक्स इज सच दैट 12 एन एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो सारे वो नंबर्स आ गए जो 12 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ओके नेक्स्ट। टू फाइनाइट सेट्स हैं, हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स, टू फाइनाइट सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स। तो पहले सेट के ना, सेट ए ले लो, सेट ए में जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, पहले सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो क्या है, फिफ्टी सिक्स मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। तो पहले ए में नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो क्या है, 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। ओके, आपसे पूछा फाइंड एम एंड एन, क्या करना है आपको, फाइंड एम और एन को फाइंड करना, क्या बोल दिए सर, हमने डिसजॉइंट सेट्स क्यों पढ़े हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, आएंगे ना।
सब करेंगे, चुन चुन के एक एक को करेंगे। अभी सारी प्रैक्टिस ही चल रही। डिसजॉइंट सेट रह गया था एक्चुअली, डिसजॉइंट सेट रह गया था हमारा, टाइप्स ऑफ सेट्स, दैट्स व्हाई आई डिड इट। मुझे याद आया बाद में। सो अब आपका क्या आएगा इसका आंसर? नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे बताते हैं? पावर सेट से। अभी पावर सेट होता क्या है? पावर सेट्स आपके सारे सेट्स, पावर सेट के जो एलिमेंट्स है वो आपके टोटल सबसेट्स ही होते हैं। सो आपके ए के एलिमेंट्स कितने आएंगे भाई? ए में कितने दिए हैं? एम। बी में कितने दिए? एन। तो आपको बोल दिया भाई 2 टू द पावर एम माइनस 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 56। 2 टू द पावर एम माइनस 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 56। अब आपको बोला एम और एन निकाल दो, निकाल दो भी क्या जाता है। हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा थोड़ा। सी ये 56 है, डेफिनेटली एन की आपको ऐसी पावर लेनी पड़ेगी जो 56 से तो ज्यादा हो। करेक्ट, एन की ऐसी पावर जो 56 से ज्यादा हो, मतलब एन की पावर 6। एन की पावर 6 लोगे तब तो काम चलेगा ना, समझ रहे हो ना? एन की पावर 6 तो 2 की पावर 6 64 होता है, तो 2 टू द पावर 6 आता है ठीक है, तो डेफिनेटली ये 6 से तो ज्यादा ही होगा। एक बार देख लो, अगर n 6 होगा, इफ n इज इक्वल टू 6, तो 2 टू द पावर m क्या आएगा? 56 प्लस 64 कितना बन रहा है? 110। तो डेफिनेटली 2 टू द पावर m की वैल्यू 110 तो नहीं बन पाएगी। चलो और देखते हैं, 6 नहीं तो 7 लो। 7 लोगे अगर n की पावर, n इक्वल टू 7, तो मतलब 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 128। तो भाई 2 टू द पावर m क्या आएगा? 56 प्लस 128 कितना आया? 184। ये भी नहीं बनेगा, और बढ़ा लो भाई, और बढ़ा लो। n की वैल्यू आप 8 तक ले जा सकते हैं। तीन कैसे ले सकते हो यार? तीन कहां से ले सकते हो? तीन लोगे तो काम बढ़िया आपका वैसा हो जाएगा ना, कबाड़ हो जाएगा काम में। अरे क्या हो गया? देखो मेरे भाइयों, क्या दिया है आपको? बोला है
सेट ए और सेट बी फाइनाइट है, तो सेट ए में एम एलिमेंट्स हैं, सेट बी में एन एलिमेंट्स हैं। अब आपको बोला है भाई सेट ए के जो नंबर ऑफ सेट्स हैं और सेट बी के जो नंबर ऑफ सेट्स हैं, तो सेट ए के नंबर ऑफ सेट्स सेट बी के नंबर ऑफ सेट्स से कितना ज्यादा है? 56। 56 ज्यादा है, समझ रहे हो ना, 56 मोर। तो 56 मोर का मतलब क्या हुआ भाई, टोटल सबसेट्स कितने होंगे सेट ए में? 2 to the power m। टोटल सबसेट सेट बी में कितने होंगे? 2 to the power n। 2 to the power m - 2 to the power n इज इक्वल टू 56। ये आ गया आपका रिलेशन। अब आपको देखना है भाई m और n की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए चीज होगी। अच्छा एक चीज देखो, मैंने गलती की, मैंने n की ज्यादा वैल्यू ली, या सॉरी अननेसेसरी हमने ज्यादा ले ली। Whoops. So, n को 1 रखोगे, 2 to the power m is equals to 56 plus 2 to the power n। अगर n को 1 रखोगे तो क्या आएगा आंसर? 58। n equals to 1 रखोगे तो क्या आता है? 58। तो 58 तो कोई 2 की पावर नहीं बनती। n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 square 4 60, तो भी कुछ नहीं फैल। n को 3 रखोगे तो क्या आएगा? 64। यस, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो काम बन गया। n की वैल्यू अगर 3 रख दोगे तो 2 to the power m कितना आएगा? 64। मतलब m की वैल्यू आ गई 6। तो ये आ गया आपका आंसर, m6 और n3। गॉट इट माय फ्रेंड्स? ठीक है, मैं गलती से ज्यादा ले लिया पहले। लिख लो भाई, लिख लो। और ये जो 2 to the power n है ना, ये पावर सेट का फॉर्मूला होता है। यशराज, यशराज, 2 to the power n इज पावर सेट का फॉर्मूला। ठीक है, चलो, थैंक यू तुम लोगों को, बाय जी बाय। रोट इट, लिख लिया यशराज?